जिस तरह से दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में गैंगस्टरों का वर्चस्व कायम है और ये गैंगस्टर आए दिन किसी न किसी बड़ी वारदात को अंजाम देकर टेरर पैदा करने की कोशिश करते हैं, ठीक उसी तरह से झारखंड के धनबाद में भी लगातार या तो गैंगवॉर की खबरें आती हैं या फिर रंगदारी नहीं देने पर किसी बिजनेसमैन को ठोंक दिया जाता है। कोयलांचल भी इससे अछूता नहीं है। वासेपुर में आज के मौजूदा दौर में कुख्यात गैंगस्टर प्रिंस खान उर्फ छोटे सरकार के दहशत है। वहाँ के व्यापारी प्रिंस खान से खौफ खाते हैं और उसी कोयलांचल में रात एक व्यापारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई और कहा जा रहा है कि इस वारदात के पीछे प्रिंस खान उर्फ छोटे सरकार का हाथ है। दरअसल धनबाद के बैंक मोड़ इलाके में अपराधियों ने कोयला व्यवसायी शहबाज सिद्दीकी उर्फ बबलू की गोली मारकर हत्या कर दी। ये वारदात बीती रात 1:30 से 2 बजे की बताई जा रही है। वो इलाके के एक बड़े कारोबारी पप्पू मंडल के सहयोगी के तौर पर काम करता था। कहा जा रहा है कि शहबाज को निशाना तब बनाया गया जब वो ऑफिस से अपने घर आ रहा था। गोली लगने के बाद वो बुरी तरह से जख्मी हो गया था। उसे तत्काल सेंट्रल हॉस्पिटल ले जाया गया जहाँ इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। वारदात की सूचना पाकर मौके पर पुलिस पहुंची। शहबाज की उम्र 30 से 32 साल के आसपास की बताई जा रही है। वो नया बाजार इलाके का रहने वाला था। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही पप्पू मंडल के आवास पर गोलियां चलाई गई थी। इस फायरिंग की जिम्मेदारी भी वासेपुर के ही गैंगस्टर प्रिंस खान और छोटे सरकार ने ली थी। फायरिंग के बाद प्रिंस के एक गुर्गे ने वीडियो जारी कर ऐलान किया था, इलाके में किसी को भी कोयला और लोहा का कारोबार करना है तो उसे प्रिंस खान की हुक्म माननी पड़ेगी। इसके एक हफ्ते के अंदर ही पप्पू मंडल के सहयोगी की हत्या कर अपराधियों ने पुलिस के सामने एक बार फिर चुनौती पेश की है। बबलू की हत्या की खबर सुबह नया बाजार इलाके में फैली। सोमवार सुबह से ही सेंट्रल अस्पताल में परिजनों और शुभचिंतकों का जमावड़ा लगा हुआ था। उसका पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। कहा जा रहा है जिस बिजनेसमैन को गोली मारी गई उसका इकलौता बेटा था। पत्नी के अलावा घर में उसकी एक 6 साल की बेटी और 2 साल का बेटा है। फिलहाल परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है।